नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 14 मई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए आप, स्पीडी, एडुटेरिया और जो दूसरी करंट अफेयर की मैगजीन है उनके 2021-22 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का मांधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है? तो बताइए, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास है ये गाँव, नाम क्या है? मांधर गाँव। ये अभी देश का पहला शहद गाँव बन गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब इससे होगा क्या, जो महाराष्ट्र का टूरिज्म सेक्टर है ये इससे बूस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, गुजरात। गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी रिसेंटली रामसर स्टेटस दिया जा चुका है। और गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें ना, एक फेस्टिवल का नाम आप याद रखेगा, क्या फेस्टिवल का नाम है? काला नमक चावल फेस्टिवल, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब महाराष्ट्र का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र से सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र ने ये निर्णय लिया था कि सभी जिलों में एंट्री ड्रग सेल स्थापित किया जाएगा। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। अब लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन छह राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई इसकी कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गोगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। लोनार लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, महाराष्ट्र में है। वीना लेक ये भी महाराष्ट्र में है। कोयना डैम की बात करें, ये कोयना रिवर के ऊपर है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैन डैम, इसे भीमा डैम कहा जाता है क्योंकि भीमा रिवर के ऊपर है। जैकवाड़ी डैम, तो ये तो है महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्ड लाइन ने किस राज्य के पुलिस विभाग के लिए ई चलान को डिजिटल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्ड लाइन ने मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के लिए ई चलान को डिजिटल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला इस्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तरकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। गुजरात की बात करें, गुजरात में है देखो कच्छ जिला, वहाँ पर एक गाँव है कुनरिया विलेज, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ये और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है
ये बेसिक डिटेल है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। मई 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, ओमान, ओमान की जो कैपिटल है यह है मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल, ओमानी रियाल ये करेंसी है। कतर की बात करते हैं, कतर की जो कैपिटल है यह है दोहा, और इसकी करेंसी क्या है? कतरी रियाल। सऊदी अरेबिया, इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? इसकी कैपिटल है रियाद, और इसकी करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। अब बात यहाँ पे यूएई की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है यूएई, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और लार्जेस्ट सिटी क्या है इसकी? दुबई। यूएई दिरहम ये करेंसी है। यूएई की लोकेशन आप फिर से देख लीजिए, ये इधर देख रहे हैं आप, ये है पर्शियन गल्फ, और इधर है ये अरेबियन सी, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इस जगह इनके बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है। अच्छा, ये इस स्टेट का नाम ना आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में यहाँ पे एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसको भारतीय उद्योग परिसंघ CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 2022-23 के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संजीव बजाज, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, मनोज सोनी, इनको UPSC का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। तरुण कपूर, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का नया सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। नरेश कुमार को उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। बी ऑप्शन संजीव बजाज इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की जो कैपिटल है यह है पेरिस। जर्मनी की कैपिटल यह है बर्लिन, और इन दोनों देशों की करेंसी सेम ही है, नाम क्या है? यूरो। पेरू की बात करते हैं, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा, और इसकी करेंसी है सोल। ये भी आप याद रखेगा। अब बात श्रीलंका की हुई है, तो आप लोकेशन देखिए, देखो ये इंडिया का मैप है, ये नीचे है श्रीलंका। मैप के राइट हैंड साइड में देखिए, ये श्रीलंका है, इसकी कैपिटल दो हैं, श्री जयवर्धने पूरे कोटा, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। गोताबे राजपक्ष ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? श्रीलंका के। किसको टेम्पलटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, यानी सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आरिफा जोरी, इनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमर मित्रा को ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और शिंथिया रोसेंस वैग इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी अपने देश भारत को इसमें चुना गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है गोल्फ से, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मई 2022 में राष्ट्रपति जी ने सेना के जवानों को कितने शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं 13। सी बी ऑप्शन 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोस्टारिका। 2022 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया गया? 11 मई। मई 2022 में उत्कर्ष समारोह किस राज्य में मनाया गया? गुजरात में। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस के। मई 2022 में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मई 2022 में किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? तो मैक्स वर्स्टपन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन थे, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? मई 2022 में किसको भारत के चुनाव आयुक्त
ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। मई 2022 में यूरी एवरबक का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? मई 2022 में किसको बंगाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 में खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।